10 दिसंबर 2022 ये है आज की तारीख, और इसी से पहले 10 दिसंबर 1948 को वो अधिकार मिला जिसकी एक्चुअल में हर व्यक्ति को ज़रूरत थी, ह्यूमन राइट्स, जिसको आज हर कोई मना रहा है। क्या वास्तविकता में इसके उतने अधिकार एक इंसान को मिल पा रहे हैं जिसकी उसे एक्चुअल में ज़रूरत है? और इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हम निकल चुके हैं गलियों में, सड़कों पे, जहाँ पर हर व्यक्ति से बात करेंगे कि उसको अपने अधिकारों का उतना अधिकार मिल पा रहा है जितनी उसकी आवश्यकता है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो सबसे पहले उसी दिन से उसके अधिकारों की बात शुरू हो जाती है। मानव अधिकार आयोग की एक टीम गठित की गई, जिसके बाद में उसे अधिकारों की, जिसे उसे वो जो अधिकार मिलने चाहिए उसकी ज़रूरतें पड़ी, जिसके बाद में ये अधिकार बनाकर हर किसी के ऊपर दे दिए गए। तो इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ह्यूमन राइट्स की एक्चुअल कितनी समझ लोगों को है, कितना लोग इसके बारे में जानते हैं और कितना इसका पालन करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ह्यूमन राइट्स डे है आज। हाँ जी। इंसान को उतना हक मिल पा रहा है जितना उसे मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट्स कहने के नाम पर तो बड़ा अधिकार है, लेकिन क्या आज के समय में व्यक्ति उसे उस तरीके से जी पा रहा है जितना उसे जीना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है अभी भी। अगर जैसे बात करते हैं मज़दूर को, उसके अधिकारों के हिसाब से मज़दूरी नहीं मिलती है, ठीक है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जैसे गरीब लोग हैं उनको टाइम से खाना नहीं मिल पाता है, तो अधिकार अभी भी पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे। एक्चुअल में लोगों को अधिकारों को पता ही नहीं कि हमारे अधिकार क्या है। एक स्वतंत्र देश में हम जी रहे हैं, लेकिन इंसान को ये नहीं पता कि हमारे अधिकार क्या है। सबसे बड़ी बात है जो पॉलिटिशियन पार्टियां हैं या धर्म के नाम पे हैं, लोग उन्हें भटका देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे अधिकार क्या है। अगर सरकार कोई सुविधाएं भी दे रही है तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि क्या सुविधाएं मिल रही है आमजन को। तो जो गरीब जनता है, जो अभी तक जो शिक्षित लोग नहीं है, उनको अधिकारों का पता ही नहीं है, वो पूरी तरह से लागू होना चाहिए, पूरे सभी लोगों को पता चलना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स अगर सभी लोगों को पता चलेगा तो सभी लोग आसानी से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक्चुअल में लोगों को एजुकेशन की कमी होने के कारण भी जो है लोग इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ के अंदर। सर क्या कहेंगे इस मामले में, क्योंकि एक टॉपिक है वो बहुत गंभीर है और जितने अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि सरकार ने आयोग टीम गठित कर दी, जब मनुष्य जन्म लेता है उसके बाद से ही उसकी शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है, और उसके बाद में उसके अधिकारों का उसको पूरा बराबर उसका इस्तेमाल कर पाता है कि नहीं कर पाता। आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि जो है वो जान ही नहीं पाते उसके बारे में, तो आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? मेरे नज़र से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ है कि आज जैसे अगर ह्यूमन राइट्स की हम बात करें, तो आज अगर हम हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जितना जीने का अधिकार हमें है उतना मेरे हिसाब से बाकी किसी देश में नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये, आज हम जैसे मैं मेरी बात करूँ 2 से 4 हम कंट्री में जा चुके, तो मैं वहाँ देखा कि वहाँ पे लोगों का लाइफस्टाइल उनकी सरकार और वहाँ के जो कानून है उसके हिसाब से ढलता है। लेकिन अगर हमारे देश की हम बात करें तो आज हमें हर चीज़ की आज़ादी है जीने की। हम किसी भी तरह से हम अपने आप को यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं करते कि हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ों से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पे पूर्णतः स्वतंत्र तरीके से रहते हैं और किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करते हैं और उसके हिसाब से वो उनको चलाते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई देश में अभी तक है नहीं किसी तरह का इशू कि हमें हमारे जीने के अधिकारों में किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो है हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे भारत जैसे देश में, जहाँ पर भारत की हर जगह पर तुलना होती है, इसको पूर्वजोर तरीके से लोग देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के जो है लोग नारे लगाते हैं, आम जन में भी देखे गए हैं, बाहरी कंट्री में भी देखे गए हैं, लोग ऐसे महसूस करते हैं जो यहाँ से जाने के बाद लोग कहते भी हैं कि भारत जैसा देश कहीं नहीं है, फिर भी लोग ऐसी बातें करते हैं कि जो हमें जीने का अधिकार नहीं है, तो फिर इसको किस तरह से देखते हैं आप? मेरे हिसाब से अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान में जितना जीने का या ह्यूमन राइट्स की हम जो बात करते हैं, अगर हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स नहीं है लोगों के पास तो किसी भी कंट्री में नहीं है। रीज़न कि हमारे यहाँ पे NRC या CA के विरुद्ध में 2-2, 3-3 महीने तक प्रोटेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट फोर्सफुली किसी को नहीं हटाती है। लेकिन हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, लाइक अभी ईरान में हो रहा है हिजाब को लेकर, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उनको कैसे टैकल कर रहे हैं आप लोग न्यूज़ में देख सकते हैं, गोलियों से लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 3-3, 4-4 महीने तक प्रोटेस्ट होते हैं, बट सिंगल एक गवर्नमेंट या पुलिस की वजह से या कानून की वजह से किसी की मौत नहीं होती है। लोग मरे हैं उनके रीजंस अलग हैं, अब लोगों को उन पे भ्रमित करके अलग डायरेक्शन में लेके जाना, देश के खिलाफ खड़े करना, ये कॉमन सी बात हो गई आजकल। 2014 के बाद हम बात करें कि जब 2014 में इलेक्शन हुए थे तो लोगों ने बोला था कि अगर BJP गवर्नमेंट आ गई या मोदी सरकार में आ गया तो अलग तरीके से देश चलेगा,
बट अगर मैं मेरी बात करूं तो 2014 के बाद भी मुझे ऐसा कोई चेंज दिखा नहीं है देश में ह्यूमन राइट्स को लेकर। लोग उतनी स्वतंत्रता से जी रहे हैं आज भी। और अगर मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो काफ़ी कुछ चेंज आया इस गवर्नमेंट के फॉर्म होने के बाद। अर्निंग बढ़ी है लोगों की। मौलिक अधिकारों की बात करें जैसे शिक्षा है, उस पर बहुत सारा काम अभी करना बाकी है गवर्नमेंट को। रीज़न कि मेरे हिसाब से जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुराना है। हमको हमारी कल्चर के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए ताकि लोग हमारे कल्चर को समझ सकें। आज हम फॉलो करते हैं वेस्टर्न कल्चर को, हम हमारी सभ्यता को भूल रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए, लोगों को अवेयर कराना चाहिए हमारी सभ्यता से, हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो कैसे थे। तो बिल्कुल, आपका नाम क्या है सर? मोहित जैन। तो मोहित, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह के अधिकार यहाँ पर मिल रहे हैं मेरे हिसाब से हर कहीं नहीं मिलते। दूसरी कंट्रियों की बात करी जहाँ पर इन्होंने विजिट किया होगा या फिर जाना होगा, पढ़ा होगा, हर व्यक्ति अपने आप को लोगों के सामने रखने के लिए वहाँ पूरी कोशिश करता है जहाँ उसने अपने आप को देखा है, निखारा है, समझा है। साथ में एक भाई और है हमारे साथ। सर आपका नाम क्या है? सुरजीत सिंह। सुरजीत, क्या कहेंगे आप, कितनी इनकी बात से सहमत है पहले तो इसका इस बात का जवाब दें, और फिर बाद में अपने आप अपने क्या इसके ऊपर रिव्यू देना चाहते हैं वो उसके ऊपर बात करें। मैं मोहित जी की बातों से 200% सहमत हूँ। कारण बहुत सिंपल सा है कि हम भूल चुके हैं कि हमारा इतिहास कैसा था, हमारी सभ्यता कैसी थी। आज आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखोगे, इवन अगर मैं मेरे घर में भी बात करूं तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा है। सो ये तो हुआ मेरा इनसे सहमत। अगर मैं मौलिक अधिकारों की बात करूं तो मैं सहमत हूं उन भाई से जो उन्होंने पहले कहा था कि कुछ लोगों को पता है कुछ को नहीं पता, लेकिन जिनको पता है वो अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं ये लड़ाई या जो लोग नहीं लड़ना चाह रहे हैं वो देश के अंदर करप्शन को बढ़ावा देता है। आज मेरा अधिकार है बोलने का, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, या मेरा को मेरा अगर काम निकलवाना है तो मैं उसके लिए कोई येन केन प्रकरण या कुछ ना कुछ जुगाड़ देखूंगा ताकि मेरा काम हो जाए। भले चाहे वो मेरा अधिकार है, मैं उसे ले सकता हूँ सरकार की मदद से, लेकिन मैं उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन अगर आज के टाइम की बात करें तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, कुछ ब्लॉगर्स हैं जो अधिकारों की बात करते हैं, जो आपके राइट्स बताते हैं थ्रू वीडियो या रील्स, तो आज का युवा या आज की जनता काफ़ी जागरूक हो गई है इन चीज़ों को लेके कि यार ये मेरा अधिकार है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी बाइक से चाबी नहीं निकाल सकता, ये उसका अधिकार नहीं है। अब जैसे जैसे लोगों को पता लगता है तो लोग खुद अपना वीडियो बनाते हैं, उसके साथ में जो भी बहस होती है वो भी पोस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है, जो कहीं ना कहीं इसको और जागरूक कर रहा है लोगों को इन टर्म्स ऑफ दी ह्यूमन राइट्स या मौलिक अधिकार जो एक इंसान के। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साथ में एक चीज़ और है कि अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितना बदलाव आपके हिसाब से जो है होना चाहिए, और कितना पहले के कंपेयर में और आज के कंपेयर में हो गया है? कि जाहिर सी बात है अभी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है, भले उतना नहीं आया होगा जितना ज़रूरत है, लेकिन बदलाव आया है। और तो कितने और की ज़रूरत है अभी फिलहाल? एजुकेशन सिस्टम बहुत ग्राउंड से स्टार्ट करता हूँ। आज के समय के अंदर ये सोचा जाता है कि जिस व्यक्ति को इंग्लिश बोलना नहीं आता ही इज़ नॉट एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। सो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर उस इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जा रहा है रेदर देन उसको समझने की कि इंग्लिश बोलनी क्यों ज़रूरी है। हिंदी या संस्कृत हमारी सभ्यता रही है, हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो कहीं ना कहीं लोग अब स्टेटस के लिए फॉर एन एग्जाम्पल कॉन्वेंट स्कूल के अंदर या इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि शिक्षकों की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जितने एजुकेटेड या एफिशिएंट टीचर हैं हम उनको आज के समय के अंदर दरकिनार कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लोगों को हिंदी मीडियम या गवर्नमेंट या अपनी भाषा को या अपनी सभ्यता को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। और क्यों ना, क्योंकि संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होती है। सो कहीं ना कहीं हमें बच्चों को उस डायरेक्शन के अंदर एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स की जिसके बात की, लोगों से मिले, बातचीत की, लोगों ने अपने रिव्यू रखे सॉरी लेकिन कहते हैं कि मानवाधिकार हर जगह पर अप्लाई होता है। अब जब इंसान जन्म लेता है उसके बाद से लेकर हर जगह पर अपने अधिकारों की बात करता है, अपने अधिकारों की लड़ाई कोई नहीं लड़ना चाहता। अगर उसके साथ में कहीं गलत भी हो रहा है तो वो इस चीज़ से डरता है कि अगर कानूनी प्रक्रिया में न जाना कितना समय लगेगा मेरे अधिकारों को मनवाने के लिए। और इसके अंदर ये लचीलापन वास्तविकता से देखा जाए तो देखा भी गया है। भारतीय कानून के अंदर
कानून भले ही स्ट्रॉन्ग है, संविधान अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको गलत को सही में बदलने के लिए जो समय और जो दूरी तय करनी पड़ती है वो हर आदमी तय करने से डरता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर भी बदलाव होने की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स के दिन आज जो है इसको लोग मनाते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। एजुकेशन सिस्टम है आज का हमारा, जो पढ़ने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, साथ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अधिकारों के लिए व्यक्ति जीता है। जन्म के साथ में मरण तक जो है सारे अधिकार लिख कर दिए गए हैं, बताए गए हैं, लेकिन लोगों को उसको समझने की ज़रूरत है। तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा और जो है लोगों को शिक्षित करना होगा, लोगों को बताना होगा। हम भी इस मुहिम से जुड़ेंगे, हम भी लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। आप भी थोड़ा प्रयास कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये आवाज़ पहुँच सके, ये बात पहुँच सके और वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक कुमावत, नवतेज टीवी जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।